दुश्मनी को लेकर बमबारी। जगबंधु हुडा साही ब्रह्मपुर बनिता नायक है, अपसिता नायक तथा 2 साल का बच्चा घर में दलान में बैठे थे। उस समय 4 युवक 2 बाइक पर आके गाली गलौज करके बम फेंक कर चले गए। बम फेंका था जो लड़के का नाम टुकना नायक, उसका बड़ा भाई चंदन नायक, पप्पू नायक और चौथा कोई अनजान व्यक्ति है। पप्पू और टुकना नायक की मां ने उसे इस बमबारी में सहयोग किया है। दोनों महिलाएं घायल हैं। घटना स्थल पर बड़ा बाजार पुलिस पहुंचकर बमबारी के आरोपी पर शिकायत किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है। बड़ा बाजार पुलिस की तरफ से छानबीन चल रही है। बुरा विस्फोरण कला आम छोट पिला को घर मुझे कला मोर माद आक्रांत हाँ जगबंधु उड़ा साहर बासिंदा सर यही आज की 18 दिन कि 20 दिन पूर्व आम पड़सा घर पु आ भणीर पु जे कि गंडोल किसी केन्द्र को नहीं गंडोल होते मारपीट होते तो आम थाना दुबे पुरुष एफआईआर देते सार को सार राजीनामा पत्र ये करके सार ये करके आम निजे निज भर राजीनामा होकर लिखिकी जाइल रूपये वर्ष जी कौन से लोकर जब विपद हुए आम निजे ही दायी बोली लिखिकी जाइ तार प्रमाणपत्र भी मो पाखे अच्छी कितु काली कौन है कि काली डेट्रे कौन से केन्द्र गंडोल किसी ना रेगिंग कराकर 2 जन होती तो मुझे किसी जानी भौणीर पुआ आस मो पाखे अच्छे 7 मासर गर्भवती झीरी मो पाखे अच्छे जार पु को शत्रु मुझे मो 2 वर्ष झीव धरिक अच्छे काली कौन कर टुकुना नायक माँ आ पप्पू नायक माँ टुकुना नायक माँ चंदन नायक को धरिक आस गाड़ी कला भितर बाल्टी भितर गुड़ा धरिक आसते विस्फोरण बोमा जो धरिक आसते 4 बोमा सी एत कला भितर 4 जन 2 बाइक 4 जन आसलापर तक माँ आने गाड़ी कला भितर पुअण डेक बोमाडिंग कर फास्ट बोमाटा जो पकई चाहिए पुतुरार मोर गोड़ पाखे पड़े से विस्फोरण हो ना सेकेंड बोमा जीवन भर में जो घर भितर होती 3 बोमा मुझे कबाड़ बाड़ी हेल्ला जहाँफल कि मत मारी मो 2 वर्ष छुआ को मारी झीआरी मारी काली सार को साहु सार राय सार केसटा को ये करते तो मेडिकल नहीं थे राति बारंबार जाऊँच तो आजिका डेट्रे का घंटे अधरे माँ से तो फरार अच्छा अभियुक्त मैंने पप्पू नायक चंदन नायक आउ जो मैंने टुकुना नायक से फरार अच्छा माँ मैंने घर पाखे जाइए तुमको हाणिले ही आम केस खाइब कहीं माँ आने का रखना आम जीवन को भयभीत सर आम जीवन के सुरक्षा हम तो सीमती क्या हाथ खंडा मार 6:05 संध्या समय 6:05 हाँ पड़सा जो मारे आम पड़सार घर जी लगे कबाट लगे जरी बेड़ी अच्छा मारे भितर जाइए कि जो पिलाने अच्छा किसी अटाक है आम घर कबाट दे दूर कबाट बोमाने पिंडार पड़े पिंड आम पिंड गोटे पूर्व शत्रुता 18 दिन तलर गंडोल शत्रुता राजीनामा पत्र ये करके सी लिखित आकार पुतरा लिखित आकार लिखिकी जाइ तो का से शत्रुता को माँ सब गाड़ी गुलज कर का से शत्रुता को माँ आने निजे फोन कर पुअण डाक आज भी माँ आने गाड़ी करते आम पुअण केस तुमको हाणी घर पे जीवन नेलापर आम केस किए भी एवं पर्यटन कौन से लोक आरेस्ट होना माँ आने अधिकांश गाड़ी आम जीवन को भय सर आम सेमती मरिया अपेक्षा ये थाना आगे निजे आत्महत्या देवी बाध्य सर आम जीवन को भय है। R9 भारत के लिए गौरांग साहू की रिपोर्ट ब्रह्मपुर। आज उड़ीसा कांग्रेस और वामपंथी दल के आह्वान से उड़ीसा बंद का प्रभाव देखने को मिला। इसका प्रभाव मयूरभंज जिले के बारीपदा शहर में देखने को मिला। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के लिए विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अनुचित वृद्धि के खिलाफ वामपंथियों द्वारा उड़ीसा बंद का अवलोकन किया गया। बंद का नेतृत्व कांग्रेस और CPM सहित विभिन्न दलों ने किया। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकान खुली रहती है। दूसरी ओर आज बंद के प्रभाव में लोगों का समर्थन करते देखा गया क्योंकि लोग बढ़ती कीमतों से नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 18 को भी जाम कर दिया। बंद सुबह 6 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चलेगा। बंदरगाह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मोटर वाहन फंसे हुए थे। आम जनता आजीविका संकट को रोकने का आह्वान कर रही है जिसमें राज्य में कट ऑफ के कारण आजीविका को नुकसान पहुंचा। ऐसे में महंगाई ने हर वर्ग के लोगों को परेशान किया है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आने से पहले का अंत का सपना देखकर भाजपा की लागत से छुटकारा दिलाने का वादा करके कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हांडिस में महिलाओं की आंखों में आंसू ला देगी। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से परिवहन की लागत कम होगी और विभिन्न वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण होगा लेकिन सरकार के फैसले के बजाय बेचैन और अनिच्छुक होना आम
जनता का मखौल बन गया है। सरकार को तत्काल कार्यवाही करने और मूल्य नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समृद्ध जो भाई भाव में दरदाम बढ़ी चली डीजेल पेट्रोल अत्यावश्यक सामग्री उपर यार प्रभाव पड़ी यात्री परिवहन माल परिवहन या पर एफेक्ट होती साधारण लोक जहाँफल दरदाम चली जितेबाला कोरोना महामारी समय रे साधारण लोकंर जीवन विपर्यस्त ठीक से बेले केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथाकथित विकास नाम जो गुड़ा टैक्स लगे साधारण लोक खटिकिया मेहनती मनीष ठारू सबु वर्गर लोक किए ये एफेक्टेड होती कोरोना महामारी जितेबाला दुई वर्ष हो गला लॉकडाउन शटडाउन आम रही एवं लॉकडाउन शटडाउन भितर कोरोना महामारी भारत वर्षरे 40 या अरबपति की जन्म देता बेले आज साधारण लोक जे 5 के जी चाउल सरकार दे दौंटे खावाई किंतु जो मैंने कि 40 जन मान अरबपति की जन्म दे कोरोना महामारी एवं ये सब कु नहीं कि आज जे आम राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के पाखे आम अपील करुचु जे जो नित्य व्यवहार्य तैल सामग्री की GST परिसरभुक्त करंतु एवं ता सहित नित्य व्यवहार्य सामग्री जोटा कि ये खेला एसेनसीआल कमोडिटी एक्ट 1955 ताकू आउ थरे नै आसंतु जहाँफल से मैं उठेदेला नित्य व्यवहार्य सामग्री 23 सामग्री की बात करदे फल महजूदकारी मानकर जो मैंने कला बेपारी करुचंती कला बजारी करुचंती से मन इच्छा से माने करुचंती एवं एथिरे जिला प्रशासन राज्य सरकार संपृक्त विभाग मध्य एथिरे संपृक्त रहुची जहाँफल आज सारा भारत वर्षरे एवं ओडिसा रे दर वृद्धि आकाशछुआ होइची एवं पनीपरिया ठारु फलमूल माछ मांस एवं सब क्षेत्र में साधारण लोक जो मैंने आज होती 300 टंका रु 900 950 टंका आज पहुँचला रंधन गैस यार प्रतिवाद रे आज R9 भारत के लिए श्रीकांत राउत की रिपोर्ट मयूरभंज से। टावर पावर की मनमानी का कार्य के खिलाफ आज ब्रह्मपुर में टाटा बिजली वितरण कंपनी के मुख्य कार्यालय के सामने गंजाम जिला की तरफ से गढ़ धारणा दिया गया। इस साल के शुरू में ही राज्य सरकार टाटा कंपनी को उड़ीसा में बिजली पूर्ति के लिए जिम्मेदारी दिए थे। टाटा कंपनी बिजली बंटन करने की आड़ में ग्राहकों को शोषण कर रही थी, शिकायत जिला BJP ने की। कोरोना के वक्त लोगों की आर्थिक तंगी चल रही है, इसमें गंजाम जिला BJP सभापति विभूति भूषण जैना कहते हैं कि बिजली की दर वृद्धि होना काफी बदनसीबी की बात है। राज्य में बिजली दर प्रति यूनिट 6 रुपए किया गया, जो कि सारे देश में का बिजली दर सबसे ज्यादा है। गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य में दर 4 रुपए होने पर बेच रहे राज्य में कैसे अहेतुक वृद्धि किया जा रहा है, ये राज्य सरकार की कंपनी प्रति BJP के वरिष्ठ नेताओं का कहना है। अघोषित बिजली काटने को बंद करके संपूर्ण राज्य को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए। कोरोना महामारी समय पर सरकार जनसाधारण को मदद करने के बजाय लोगों से अनैतिक उपाय से पैसे लूट रही है। सरकार को आक्षेप करके कह रहे हैं विरोधी। आज का आयोजित गढ़ धारणा कार्यक्रम में राज्य BJP उप सभापति भृगु बख्शी पात्र, जिला BJP सभापति विभूति भूषण जेना, जिला BJP पूर्व सभापति कान्हा चरणपति, एल मोहनदास, नमिता रानी पंडा, सुभाषिनी पटनायक, प्रभात किरण सड़ंगी, गंगाधर सतपति, राजेश शाहू, मनोज पटनायक, राम पात्र, मुन्ना सामतरा, प्रदीप सतपति, शरद शाहू, सुशीला मलिक के टुंगरू पात्र, सुरेश शाहू, विजय गोपाल, संतोष पाडिग्रही, सरोज पात्र, विजय शाहू, सत्य बसंतिया, शिव नायक, अमूल चौधरी, सुनील शाहू, राजीव कुमार मिश्रा, शिव प्रसाद पात्र, किरण साहू, सरोजदार, डॉक्टर सुभाष शाहू, नीलांचल पंड, शिव अधिकारी, मधुसूदन साहू, भीम सेन बेहरा, रेणुकेश्वर राव, सनत नायक, पात्र, हिंसा साहू, माली साहू, अजीत पात्र, विकास पाडिग्रही, जगदीश प्रधान, शिव नायक, सुमित पात्र के समेत जिला BJP के बहुनेता तथा महिला कर्मिया उपस्थित थे। ड्रेन बहुत भल थिला, ताकु कोन पई भांगी की कार्य करूचंदी आमे जानी परुनु अत्मवरे काम होउजी याकु तदन करा जाउ। ड्रेन पंकोपुर आरंभ करा जाउजी, पंकोपुर आरंभ करि जिबा फळरे से ड्रेन बहुत अल्प दिन के लास्टिंग हेबनी। तापर आम जेकि कम्प्लेन करुचु जे ये उपस्थित न रही बेआईन रे काम होउची केही सुणुना। R9 भारत के लिए गौरांग साहू की रिपोर्ट ब्रह्मपुर से।